Done. So very good evening, दोस्तों. आज मेरे सामने शो में है मोनिश माखीजा from Kota. वो secure all India rank 32. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां से इस बंदे का स्वागत करिए. इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सब की ओर से. Because ये intermediate में पास होना जहां पे बहुत difficult है, कोरोना की माहौल में जहां पे पास होना और भी difficult था, ये बच्चा पास नहीं हुआ सिर्फ, ये तो ऑल इंडिया रैंक 32 सिक्योर किया. तो दोस्तों सभी को फिर से एक बार तालियां बजा के इसका बहुत बहुत हम लोग बधाई इसको देंगे. पूरे हिंदुस्तान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. कैसा महसूस कर रहे हैं मोनिश आज? थैंक यू सो मच सर. बहुत अच्छा फील हो रहा है रैंक को सिक्योर करके, और सर इस पूरे रैंक मेरी अचीवमेंट को, इस पूरी अचीवमेंट का क्रेडिट जाता है सर मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को. सर उनके सपोर्ट के बिना सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि मैं ये कुछ भी अचीव कर पाता सर. आपके पेरेंट्स को और आपके दोस्तों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमें बहुत खुशी है आपके इस खुशी में हम भी शामिल है. वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एसपीसी से जो पढ़ा था, क्या मैं जान सकता हूँ कौन से सब्जेक्ट आपने एसपीसी से किए थे? सर मैंने एसपीसी से सबसे पहले हर्षद सर से ऑडिट की क्लासेस ली थी. हाँ जी. आफ्टर दैट ईआईएस एसएम की स्वप्निल सर आपसे जी. देन लॉ के लिए थी मैंने अंकिता मैम से. क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए जिस समय आपको रैंक आई थी, क्या आप उम्मीद कर रहे थे आपको रैंक आने वाली है? Were you sure about that? सर वैसे सुनने में आया कि आपको ऑल इंडिया रैंक जो फाउंडेशन में भी मिला था आपको, राइट? तो क्या आपको इस बार ये भी बता था कि इस बार भी आपको ऑल इंडिया रैंक मिलने वाली है? सब पता तो नहीं था, बट एक टारगेट सेट जरूर किया था. और रैंक जिस दिन रैंक मतलब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन मैं थोड़ा श्योर तो था ही, क्योंकि पेपर काफी अच्छे गए थे मेरे. तो मुझे मुझ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ रैंक तो आ ही जाएगी. मतलब ऐसा तो नहीं है कि गंदे पेपर्स गए, फाउंडेशन से तो काफी अच्छे पेपर्स गए थे, क्योंकि इस बार मेरी जो प्रिपरेशन लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का था. और सर इस बार काफी मतलब अच्छा फील हुआ रैंक आके. एंड आफ्टर सीइंग माय मार्कशीट, आफ्टर सीइंग माय मार्कशीट आई हैड सिक्योर्ड एग्जेम्पशन इन एवरी सब्जेक्ट. तो सर वो काफी अच्छा फील हुआ. कितना स्कोर किया था आपने मोनिश? सर इन एवरी सब्जेक्ट सर अबव 65 एंड सर इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अबव 80. टोटल स्कोर कितना था आपका? सर टोटल स्कोर वॉज 638. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया है यार. इतने में तो और एक बच्चा पास हो जाएगा तुम्हारे एक्स्ट्रा स्कोर में. कैसी थी मम्मी पापा की खुशी, कैसी थी उस समय, क्या था वो पल? सर मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे. मम्मी तो रोने में आ गई थी, मतलब एकदम आंसू आ गए थे मम्मी के एकदम. और जैसे ही मतलब मैं टेरेस पे था और वहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट देखा, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो भी सीए इंटरमीडिएट ही कर रही थी. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट, एंड आई सेड एक बार रुको मैं एक बार देख के बताता हूँ. एंड आई जैसे मैंने ओपन किया और मैं नीचे आया अपनी मॉम को बताया, और मॉम वॉज लाइक एकदम रोने बैठ गई थी, बोला बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा खुश थी. देन आई कॉल्ड माई डैड, ही वॉज एट हिज शॉप, तो वो भी काफ़ी खुश थे सर. क्या पूरे परिवार वालों ने आपको बताया कि कॉल आया, मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, बहुत कुछ चल रहा होगा आपकी जिंदगी में? काफी सर, काफी कॉल और काफी खुशी हुई सर सबको, स्पेशली माय फ्रेंड्स. सर फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा खुश हुए सर. वैसे उनको उम्मीद थी कि हाँ इस बार भी रैंक आएगी, बट सर काफी खुशी हुई जान के उनको भी. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपको, अभी आपको आज इस सेशन से कुछ फायदा करवाना है उन स्टूडेंट्स का जो लोग अभी सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन पास हुए हैं, जो अभी पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं. जैसे कि आप जान रहे कुछ दिनों में रिजल्ट आया जिसमें आप भी पास हुए थे, वैसे साथ साथ में फाउंडेशन का भी रिजल्ट उसी समय में डिक्लेयर हुआ था. और सारे लोग अटेंड जो है नवंबर 2021 में है, 8-9 महीने बाद उनकी एग्जामिनेशन है. तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि क्लासेस के साथ में भी उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, क्लासेस के बाद ही करना चाहिए, और फिर करना है तो कितनी पढ़ाई करना चाहिए, क्या डेली बेसिस पर रिवीजन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को ताकि उनको फायदा हो? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जैसे क्लासेस होती है, क्लासेस एक जगह है और सेल्फ स्टडी अपनी जगह है. सर मेरे हिसाब से क्लासेस के बाद अगर एक
स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा अगर वो सेल्फ स्टडी करता है रात को। बिल्कुल, हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर आप मान बैठेंगे कि क्लासेस में ही सब कुछ, मतलब आपको ऐसा ही क्लास कर लेंगे और बाद में आपको सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, पूरा डिपेंडेंसी आप फैकल्टीज पर हो जाएंगे, तो वो गलत है। आपको साथ में पढ़ाई करना होगी। और क्या डेली जब क्लासेस के साथ में भी आप पढ़ाई क्या करते थे? यस सर, बिल्कुल। जैसे मैं पेनड्राइव क्लासेस ली थी तो हमें, मैं शाम तक ट्राई करता था कि सारी पेनड्राइव जो भी है आज की वो मैं अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लूं, और उसके बाद मैं रात को 2 या 3 आवर्स मैक्सिमम, 2-3 आवर्स मैक्सिमम सेल्फ स्टडी के लिए देता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से एकदम मेहनत तो चाहिए ही होती है सर, क्योंकि मेहनत तो सर सब लोग करते हैं, जो पास हुआ है वो भी मेहनत करके ही पास हुआ है। बट व्हाट डिफरेंशिएट मी, मतलब द रैंकर्स फ्रॉम द अदर, इज दैट कि स्टार्टिंग से सर हार्ड वर्क तो चाहिए ही होता है। बस ये मेरा अगला सवाल ही था आपको कि क्या आप जो रैंकर्स जो लोग आते हैं वो आम स्टूडेंट से क्या आप कुछ अलग करते हैं? बिकॉज़ आपने कई लोगों को देखा होगा वो लगातार एग्जामिनेशन देते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, और आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट भी वो और उसमें भी रैंक हासिल करें, तो क्या एक दो ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है नहीं है ये आपने अलग की या कोई रैंकर्स अलग करता है, क्या होता है? सर वैसे मुझे तो आज तक पर्सनली कुछ ऐसी चीज मिली नहीं है जो मुझे दूसरों से डिफरेंशिएट करे, बट यस जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा पूरे इस 15 मंथ्स के दौरान, वो बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छा था। देखो मोनिश, पेरेंट्स का सपोर्ट तो देखो आपको जैसे मिला बाकी लोगों को भी मिलता ही है, पर क्या आप अलग करते हो जिसके कारण आपको इतना स्कोर है, सारे चीजों स्कोर आ गया, क्या कुछ अलग किया आपने? सर आई थिंक जो मेरी शेड्यूल मैंने अपना बना के रखा था वो आई थिंक मे बी डिफरेंट होगा फ्रॉम दी अदर्स। लाइक स्टार्टिंग में मैंने ये अपना शेड्यूल बनाया हुआ था कि इन मॉर्निंग मैं सारे थ्योरी सब्जेक्ट को कवर कर लूं, क्योंकि मॉर्निंग में जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है सर वो बहुत अच्छा होता है, वी ऑल नो दैट। तो मैं ये, मतलब यही मेरी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से रही है कि थ्योरी सब्जेक्ट को मैं स्टार्टिंग सुबह एकदम मॉर्निंग में करूँ, देन इन द इवनिंग थोड़ा जब माइंड थोड़ा एकदम तो उस समय तब मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट करता था। अच्छा। और फिर सर शाम को 1-2 आवर मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ सीए इंटरमीडिएट कर रहे थे अभी उनके साथ में डिस्कस करता था। बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजीज आप बता रहे हैं कि मॉर्निंग आवर्स में आपने थ्योरी करना चाहिए, बाद में प्रैक्टिकल करना चाहिए, जो डाउट्स है करने, दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है पेपर में प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग, इन सब चीज का भी महत्व है या हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन का कोई बिल्कुल वैल्यू नहीं होता? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, महत्व है बस सब होता है, मतलब थोड़ा सुंदरता प्रेजेंटेशन इन सारी चीजें महत्व है, थोड़ा सा अच्छा हैंडराइटिंग होना समझ वाला वो भी जरूरी है। सर हैंडराइटिंग बहुत हेल्पफुल है सर, मींस अगर अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है इन दी पॉइंट्स में, अगर आपने प्रेजेंट किया है तो सर वो टीचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है उनको चेक करने के लिए, और सर मतलब फिर वो, मतलब वो तो आप ही बताओगे सर कि टीचर को कैसे मतलब उनको हेल्प होती है, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है जो मुझे आज तक टीचर्स ने बताया है तो उसके रिगार्डिंग तो सर बिल्कुल आप भी यही अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करते हैं कि प्रेजेंटेशन मेक्स अ डिफरेंस, आपने भी बोला तो और उस पे गौर लग चुके हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको एक जवाब देना है मुझे कि आपने जो ASM लिया है जो आपने मुझसे पढ़ा था, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहूंगा, वो लगाकर आपको क्या कुछ चीजों का फायदा हुआ, कैसे वो फायदेमंद हुई आपकी क्लासेस? यस सर, फायदेमंद मेरे को आपकी क्लासेस में ये लगा सर, बेस्ट पार्ट ऑफ योर टीचिंग वाज कि आप जो भी पढ़ाते थे लाइक एवरी कॉन्सेप्ट तो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा रिलेट करते थे, और उसके रिगार्डिंग वीडियोस को वीडियोस चला के दिखाना, उस क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाना सर, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद है, एक EIS में क्लाउड कंप्यूटिंग आपने स्टार्ट किया था वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो जो मेरी पहला लेक्चर था वो क्लाउड कंप्यूटिंग था, उसमें मुझे मतलब इतनी वीडियोस देख के इतना मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था सर, वो बेस्ट पार्ट लगता था जब आप वीडियोस चला के उसको रिलेट करते थे बाकी कंपनीज में कैसे वो यूज होता है, वो सब बहुत अच्छा था। एंड सर SM में आपने फर्स्ट क्लास में
ये आपने चैप्टर के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया, और मुझे हमेशा से लगता था कि जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा चैप्टर से चालू करेंगे तो एकदम बोरिंग सा हो जाएगा, बट ऐसा आपकी क्लास में नहीं था। आपकी SM की फर्स्ट लेक्चर जो था वो था कि वाई वी नीड टू स्टडी SM। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा सर जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमको उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारे कोई भी जैसे लाइफ में टारगेट होता है तो हमारा उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि हमको ये टारगेट क्यों है, हमारा क्यों अचीव करना है, इससे क्या होगा। तो बिल्कुल सर आपकी एकदम जो आपकी टीचिंग स्टाइल थी उसमें भी यही था कि जो हम SM पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, कंपनी को कैसे बेनिफिट होता है, और सर ये काफी अच्छा था सर। जो प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किया जाता है क्लास में वो हमने हमेशा बरकरार रखना चाहिए ताकि बिल्कुल सर, बहुत हेल्पफुल रहता है सर। चलो बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आपने जो सब कुछ कहा हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आपसे एक अगला प्रश्न पूछेंगे भाई साहब। आप बताइए मुझे कि रोजाना जैसे आपने ये सब क्लासेस खत्म करवा दी, सब कुछ खत्म कर लिया, एग्जामिनेशन में 2 महीने बचे थे, फिर आप कितने देर पढ़ते थे रोज? 12-14 घंटे? नहीं सर, मतलब प्रैक्टिकली सर इतना पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए, क्योंकि ओके अलोंग विद CA आई वाज आल्सो परस्यूइंग BCom ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज। तो सर उनके असाइनमेंट करना और उनके भी पेपर्स थे हमारे, तो सर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था मेरे लिए दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना। बट सेल्फ स्टडी की बात है तो मैंने लास्ट के 3 मंथ्स में, मेरी कोचिंग जी लास्ट 3 मंथ्स तक खत्म हो गई थी, और ओके उसमें मैं 8 to 9 आवर्स मतलब देता था। ओके ओके गॉट इट बहुत अच्छी बात है। क्या आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कभी आपने ऐसे कोई नोट्स बनाए, कोई हाइलाइटर अंडरलाइन है कुछ आप लिखते थे या सिर्फ ऐसा कभी कुछ किया आपने? नहीं अभी सर, ऐसे अपने हाइलाइटर समरी वाला समरी नोट्स बनाए आपने या कुछ लिख कर देखा या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप लिख लिख कर देखते थे ऐसा कुछ? सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स जो इलस्ट्रेशंस होते थे उसको हाथों से करते थे, मतलब लिख के करते थे। बट एक मेरी सुझाव आपसे स्टार्टिंग मिल रहा से है कि एक सुझाव मिल रहा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हमने पढ़कर नहीं देखना चाहिए बल्कि लिखकर देखना चाहिए। हाँ जी सर, वो इलस्ट्रेशन को मतलब सॉल्व करना चाहिए खुद से। ये बात भी क्लियर है। और आप मुझे बता रहे थे कि आपने जो ये जो पढ़ाई करी है तो मतलब कभी आपने जैसे हमने आपको रॉक्स बनाने के लिए ये ऐसे रॉक्स जिसमें समरी बना के दिया था राइट, तो यस वैसे सर, आपने हर सब्जेक्ट की कभी कुछ बनाई है या फिर आप सीधा मेन बुक से ही पढ़ते? सर पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी ऐसे नोट्स नहीं बनाए थ्योरी सब्जेक्ट्स के, बट हाँ जो आपकी EIS रॉक्स थी वो मुझे काफी हेल्पफुल रही अच्छा उसमें। मतलब जैसे एक टाइम ऐसा था जब हमारे नवंबर में पेपर्स थे, तो हाँ जी हाँ जी उस समय तक मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था EIS के अंदर, तो मैं ओके उस रॉक्स को पढ़ा और मुझे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर, मतलब अच्छी मेरी प्रिपरेशन हो गई है। अरे मैं तो इस बात को बिलीव करता हूँ कि हमेशा स्टूडेंट्स के पास में कोई बड़े वर्जन का छोटा वर्जन था तो आई थिंक उस बिल्कुल केस में नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा हो जाती है एंड दैट समवेयर यू नो हेल्प्स यू बिकॉज़ हर किसी बच्चे का एक फुल माइंडसेट नहीं होता या फिर वो एक इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाता है। कभी भी स्टूडेंट जो आते कि बाद में वो यार बहुत हो गया बोर होता है यार इतना सब कुछ करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइस अ स्टूडेंट यू नो कि जो हम लोग समरी नोट देते हैं सब ठीक है, कभी आपको किसी टीचर ने समरी नोट नहीं दी तो जस्ट मेक योर समरी नोट्स दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स। कितना रिवीजन हुआ होगा आपका मोनिश हर एक सब्जेक्ट के लिए, 2-3 या उससे ज्यादा? सर स्टार्टिंग में तो जैसे जो क्लासेस करी थी वो तो एक अपने आप में जैसे कोर्स कंप्लीट करने का था ही। हाँ जी हाँ जी उसके बाद मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट था वो मेरे स्टार्टिंग से ही वीक रहते थे, तो हाँ मैंने जी उसको ज़्यादा फोकस किया, और मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको 2-2 बार तो रिवाइज किया था, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको 1 बार किया था सर। क्या बात, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। और एग्जामिनेशन का वो पहला समय जो था, 2 एग्जामिनेशन के बीच में जो टाइम मिलता है, क्या उसका प्लान आपने पहले ही बना के रखा था कि कौन सी चीज क्या पढ़ना है या वो भी बस अनस्ट्रक्चर्ड चीजें थी आपके साथ? नहीं सर, मेरा हमेशा से प्लान ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं EISSM की अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मेरा EISSM का मुझे अभी तक याद है मैंने क्या सोच के रखा था। जैसे जो ICI मॉड्यूल्स के पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सर, मैंने सोचा था एक दिन में पूरा कोर्स तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो वो जो पीछे वाले बैक क्वेश्चंस होते हैं द बैक MCQ दैट आर गिवन इन द ICI मॉड्यूल्स, तो मैं उसको कवर करने का ट्राई करूंगा, और होपफुली मैंने वो मतलब लकली कर लिया था वो कवर। तो ओके ऐसे मतलब मतलब मेरी हर चीजें प्लान ही थी। आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या नहीं करना यस है, सर,
ये सारी चीजें आपने वो एग्जामिनेशन चालू होने से पहले ही उसका फैसला ले चुके थे। तो बिल्कुल सर। हर बच्चों को हम लोग ये भी यहाँ पे सूचना देना चाहते हैं कि व्हेनेवर दे आर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, उनके पास में एडवांस में हर कोई सब्जेक्ट का प्लान होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पहले कौन सी किताब से क्या पढ़ना है। बिल्कुल सर। ये एडवाइस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोनिश, आपसे बात करके तो बहुत मजा आया मुझे, और मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारे सजेशंस भी हमें मिले, और मैं पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों को कुछ फायदा होगा। जो गलतियां वो करेंगे शायद से वो गलतियां अभी होने से पहले इनकी हम लोग समझाएंगे तो शायद से इट विल बिकम अ प्रिवेंटिव मेजर। आप मुझे एक या दो चीजें ऐसे बताओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ऐसी कौन सी चीजें स्टूडेंट्स ने नहीं करना चाहिए, या फिर वो करते तो फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? मतलब क्या लगता है वो जो बच्चा फेल होता है आखिर क्या उसके पीछे हो जाता है, व्हाट ही डस, क्या गलती तुम्हारे, सर कभी कुछ कभी तुमने किसी रिलेटिव और दोस्त को फेल होते हुए देखा होगा या कभी किसको देखा हाँ होगा, क्या सर करते हैं सर मतलब ऐसा मेरा और तुम्हें लगता है कि वो नहीं करना चाहिए? यस सर सर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इस बार फेल भी हुए हैं, हाँ जी, और अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये था, जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ कि सर जैसे उन्होंने हार्डवर्क तो किया था स्टार्टिंग से, अच्छा, उन्होंने एंडिंग में आके भी अच्छा खासा मतलब पढ़ाई करी थी, दे स्टडीड गुड, लेकिन जो वो बीच का गैप था सर उसके अंदर वो कहीं पे लैग कर गए थे। तो सर मतलब बेसिकली वो कंसिस्टेंट नहीं थे वो पूरा पढ़ाई में, स्टार्टिंग में हार्डवर्क किया, एंडिंग में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बट सर वो बीच वाला जो गैप था ना सर, वो उनको मतलब कंसिस्टेंटली करना चाहिए था, जो उन्होंने मतलब नहीं किया। ओके। तो आपको ये लगता है कि जो लोग फेल हो जाते हैं वो कभी पढ़ाई करते हैं, कभी नहीं करते, कभी करते, तो कंसिस्टेंसी होना बरकरार होना जरूरी है, राइट? फ्रॉम द यस बिगिनिंग टिल द एंड आपने हमेशा रोजाना बेसिस पर पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। क्या यस बात सर, है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे आने के लिए। आपने जो अपना इतना समय दिया है बहुत अच्छा लगा, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की हमने कामना करते हैं, और आप जिंदगी में बहुत आगे जाए, तरक्की करें, कामयाबी का नया शिखर हासिल करें, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। हम आपके फिर से माँ बाप और आपके फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने थैंक यू हमको इस सर। काबिल बनाया, और हमें इस बात का बहुत प्राउड फील है कि आपने हमसे भी पढ़ा है, अंकित हमारे महर्षि सर से पढ़ा है। एक टीचर को बहुत खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट रैंक में जाए, तो हमें भी वही फीलिंग है। आप जिंदगी में और तरक्की करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड यू ब्लेस यू सर। मोनिश, थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय लॉट्स सर। ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।